राधे राधे एवरीवन, आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाली हूँ, एक ऐसा महान ग्रंथ जिसने हमेशा हम सबको जीवन में राह दिखाई है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। एक छोटे से बच्चे से पूछा गया कि हमें श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। बच्चे ने मुस्कुराते हुए बोला, एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय के साथ एक मैनुअल आता है कि उसे कैसे यूज किया जाएगा, ऐसे ही हमारे जीवन के साथ ये श्रीमद् भगवद गीता आती है। है ना, कितना सुंदर जवाब। ये ग्रंथ इसीलिए लिखा गया कि कलयुग में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि जब तक आप अपने अंदर की लड़ाई को रिजॉल्व नहीं करते, आप बाहर भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने अंदर की लड़ाई जीतनी है। किसी से भी 2 मिनट बात करिए, आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम है। श्री कृष्ण का जीवन हमें समझाता है कि किस तरह कर्म हमेशा बैलेंस्ड रहता है। श्री राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो कौशल्या जी उनके साथ नहीं रह पाई और वो वनवास चले गए। इसी कारण जब वो श्री कृष्ण बने तो यशोदा जी उनकी माँ बनी। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहे थे तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जब मुझे ही सब कुछ करना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है। इस पर भगवान ने कहा, तुम जो कर सकते हो वो करो और मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। भगवान ने कहा कि मैं इस मछली की आंख का जो प्रतिबिंब बन रहा है उस पानी को ठहरा दूंगा ताकि तुम्हें आसानी हो जाए, पर कर्म तो तुम्हें ही करना होगा। यही हमें समझाता है कि हमारा कर्म करना कितना जरूरी है, अपना बेस्ट देना जो भी काम हम करें। श्री कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त राधा रानी है, ऐसा सभी देवताओं को लगता था, लेकिन नारद जी को ऐसा नहीं लगता था। नारद जी को लगता था कि मैं ही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक बार वो भगवान से मिलने गए तो उन्होंने देखा कि प्रभु अपने माथे पर सर रखकर बैठे हैं। इस पर नारद जी ने कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु क्या बात है, तो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है और अगर मैं उसके चरणों का धोया हुआ पानी पी लूं तो मेरा ये सर दर्द ठीक हो जाएगा। इस पर नारद जी सोचने लगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे तो पाप मिलेगा क्योंकि मेरे धोए हुए चरणों का पानी प्रभु पिएंगे। इस पर वो राधा रानी जी के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। राधा रानी जी ने तुरंत अपने चरणों का पानी उनको दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकती। तब नारद जी को समझ में आया कि राधा रानी ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त है। तो चलिए, इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में मैं इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए इस महान ग्रंथ की बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस YouTube फैमिली का पार्ट बने। राधे राधे।